वो रुद्राक्ष तो निचरे को दौरान अठिन यहाँ पर ही रख देना मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान अगर आप विवाह के समय महादेव ने बहुत लीला था मुझे क्या खरे पर और विवाह के उत्सव में जो प्रसिद्ध ठिकोनी न हो तो विवाह की रस्मों में पहले भोले बाबा का ना चरण धोना चाहिए है ना वो तो रुक दो अब पहले भोले बाबा का चरण धोते हैं मंत्र बोलता जाओ तो श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तु अब धार बनाओ एक आपको छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा प्रीति पार्वती हर कन्या को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है संसार को नहीं देखते सुनते ही थोड़ा मन घबरा रहा है सब ठीक तो हो जाएगा ना हरी पार्वती अब तो आप महादेव के स्वप्न सब कुछ अच्छा होगा शिव पार्वती के विवाह की धूम इस विवाह को देखने के लिए पूरा क्यों के रूप में आएगा पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सारो यही करूंगी क्या मैं रही मंत्र बोलता जाओ पाद के भी बात जो तो बोला वो तो श्री शिवा है तभी पीछे से देवी पार्वती वहां आती है और अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर देती है एक टिक्की लगा दे बस समस्त जगत में अंधकार छा जाता है जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं जिस कारण रोशनी के ताप से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गई और इस बालक का जन्म हुआ अंधकार में पैदा होने के कारण ये बालक अंधक नाम से जाना जाएगा कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए
अंधक को हिरण्याक्ष के हाथ से खुशी-खुशी अपने राज्य लौट गया। तभी देवासुर सरकार और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग गया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा हो गई। उसके अन्य चचेरे भाई और सभी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उनके व्यवहार से तंग आकर वो तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पकड़ा गया, तोड़ना की जरूरी है। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए। रख दे, ठेकल हाथ पर दे दे। हाँ, ये हाथ काट दे दे। मेरे दिव्य नेत्र ये आपका ऐसे मिनी सिंह का थोड़े ऐसे द्वारा मृत्यु ना हो। थे बोलो क्या बोले। आज तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे। तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी तपस्या से छुट्टी कर लो ना, तो नहीं दुखी को नहीं राग दो। यक्ष तथा देव गंधर्व सभी वे सब ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं देते, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप के उत्पात मचा रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। हे शिव शंकर, हाथ लगा ले। चारों दिशाओं में उत्पात मचा रखा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप सब निश्चिंत रहिए, अंधकासुर को उसके पाप का दंड मैं अवश्य दूंगा। शिव पार्वती पर्वत की सुरम्यता देख कर वो खुश होने लगा। कितना सुंदर स्थान है, क्यों ना यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए। सेवक जाओ और कोई उच्च स्थान तलाश करो, जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा। वाह, क्या सुंदरी है, लेकिन ये इस तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजमहल की शोभा होना चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो चलो, महाराज को बताते हैं। क्या सुंदरी, इस पर्वत पर जाओ और सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ, और उसके साथ जो तपस्वी पुरुष है उसे कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा। उसने अंधक का दूश उन्हें क्या सुनाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। अंधक ने सेना एकत्र की और आक्रमण किया। अंधकासुर, कहीं ऐसा ना हो मेरे क्रोध की अग्नि से तुम जल जाओ। घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव त्रिशूल से प्रहार करते हैं, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा है। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित करते थे। ये सब शुक्राचार्य के कारण हो रहा है। नंदी आदि कर जाओ और शुक्राचार्य को बांध कर यहाँ ले आओ, ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित ना कर सके। जो आप क्या करते हो, एक एक गुरु ने बोल नाम से बोल दिया था। शुक्राचार्य को बात करते हुए हाल का और भी शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। शिव जी ने शुक्राचार्य को अपने उदर में ले लिया और अस्त्र को त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। वो त्रिशूल पर टंगा गंगा ने शिव का जाप करता हुआ अपनी भूमि का प्रायश्चित करने लगा। अंधकासुर जान चुका था कि माता पार्वती उसकी माता है। मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कोई दृष्टि डाली,
माते मुझे क्षमा कर दीजिए, अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव को जागृत ना होने दूंगा, ना ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूं, मेरे समस्त विकार धुल जाएं। क्योंकि जब ये उत्पन्न हुआ था उस समय अंधकार था, उसे अंधकार की भांति इसका मन भी अंधकार वश ऐसा हो गया। अब पश्चाताप के आंसुओं से इसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। काली दाढ़ गड़े है बाल्टी में गड़े मुझे क्षमा कीजिए। पांच या चार पत्ता ही बना लो, सात बना लो, सात को अपना सुगंध सुगंध समझ के आदमी सात बढ़ाओ। मैं तो एक साथ ही लेकिन सात का बनाओ। भगवान भोलेनाथ उन लोगों को क्षमा, सात बार बना, सात बार समझ के आदमी समझ, ग्यारह बार बना ग्यारह की वो जगह उस सुगंध सुगंध की पहचान। अंधकासुर को क्षमा भगवान भोलेनाथ अंधकासुर को अपने शिव गणों में स्थान देते हैं और अंधकासुर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर देता है। गौरी नाम की लड़की अपनी माँ जमुना के साथ रहती थी। स्रोत की तरह आज भी गौरी सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर पहुँच गई थी। गल्लम देख नीचे सफाई की। कुछ देर बाद पुजारी जी भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने गौरी को देख कर मुस्कुराते हुए कहा, राधा कुमारी के जाने के बाद गौरी ने खाना बनाना। राधा कुमारी गौरी के हाथ खाने से बेहद खुश थी। उन्होंने गौरी को बुलाकर कहा, उस रात गौरी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ को आराम करने की जरूरत है, मालकिन ने कहा कि वो मुझे काम पर रख लेंगी और तनख्वाह भी बढ़ा देंगी। आपको आराम करना चाहिए, पिताजी के जाने के बाद आपने पूरी जिंदगी काम करके मुझे संभाला है, अब मुझे आपकी जिम्मेदारी संभालने में दो। अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, जब तुम्हारा हो जाएगा ना तब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना माँ। ये कहकर गौरी अपनी माँ से लिपट गई। अरे पगली, ब्याह तो सबको करना पड़ता है, एक दिन तेरा भी होगा, मंदिर की सफाई और पूजा के बाद वो तुरंत हवेली चली गई।
हवेली में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि की पूजा हुई। उसी शाम हवेली में भंडारे के वक्त राधा कुमारी अपनी बेटी कमला को पूरे घर में ढूंढ रही थी। अरे यही कहीं होगी उसकी सहेलियों के साथ। कमला की सहेलियों से पूछ कर आओ कि उन्होंने कमला को देखा क्या। कुछ देर बाद मनीष भागता हुआ आया। उसने नजर झुका कर हीरा लाल से कहा, मालिक उनमें से किसी ने कमला मेम साहब को नहीं देखा। अब तो हीरा लाल भी चिंतित हो गए और उन्होंने सारे नौकरों को पूरी हवेली में कमला को ढूंढने के लिए कहा। गौरी भी उनके हुक्म से पूरे घर में कभी मनीष हड़बड़ा कर बोला, अरे गौरी कहाँ जा रही हो तुम? मैंने सोचा एक बार इस तरफ भी देख लो। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अभी घर से देख कर आ रहा हूँ। तुम जाकर उसे ऊपर छत में देखो, कहीं छोटी बहन साहब छत में तो नहीं है। गौरी मनीष की हड़बड़ाहट देख कर थोड़ी के पास मैंने चोरी देखी थी, जरूर इसने ही पैसे और गहनों के लालच में छोटी बहन साहब के साथ कुछ गलत किया होगा। मालिक मैं एक साल से आपका नौकर हूँ, आज तक इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौरी के काम शुरू करते ही छोटी मेम साहब गायब हो गई। अब सबको मनीष की बातों पर यकीन आ गया। ठाकुर साहब और राधा कुमारी भी गौरी को धमका कर उससे कमला के बारे में पूछने लगे। बताओ गौरी कमला का, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। गौरी कमला के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। हीरा लाल ने गौरी को जेल भिजवा दिया। सलाखों के पीछे गौरी आंखें बंद किए बैठी थी। उसे अब समझ आ गया था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब उसके पास एक ही आसरा था। उसने पास ही एक पत्थर का टुकड़ा भोलेनाथ आपकी गोद पर दीजिए दुनिया को ना। अब की बार आओ ना जितना भोलेनाथ करना की गोद भराई कर दीजिए दुनिया की। परम मां ने सदा अर्दे परम से अक्षम अर्दे की नुए
देखो मैंने भी तो खुद को संभाला हुआ है। तुम भोले नाथ को बोलो ना हमारी झोली में बच्चे का आशीर्वाद डाल दे। नंदू ने समझा बुझा कर श्यामा को चुप करा दिया। श्यामा बिना कुछ खाए पिए सो गई। नंदू मन ही मन भोले नाथ से प्रार्थना करने लगा। मैं तो किसी तरह अपने मन को समझा लेता हूँ श्यामा का दुख मुझसे नहीं देखा था, नहीं देखा जाता पूरा सोचो रक्षा कर बाबा तू ही रक्षा कर।
फोटो डाल ले, फोटो ही ले।